वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं वरुण कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस यूट्यूब क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मेरे द्वारा यहां पे इस चैनल पे पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाई जा रही हो। इसमें बीए फर्स्ट ईयर का ट्वेल्थ लेसन और ट्वेल्थ लेसन का जो ये जो वीडियो है वो सेकेंड पार्ट है। ट्वेल्थ लेसन का भी सेकेंड पार्ट है जो यहाँ पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ध्यान रखना, इससे पहले जो इसके अकॉर्डिंग जो इलेवंथ जो तक जो लेसन पढ़े हैं वह दो तीन चार या अलग अलग पार्टों में होंगे। एक जैसे वन कोई लेसन है उसके दो तीन पार्ट हो सकते हैं, तो कि बड़ा बड़ा है तो थोड़ा समझेंगे तो पार्ट ऑलरेडी बन जाते हैं। तो आपको पिछले वाले कोई इंपॉर्टेंट है जो आपको समझने हैं तो वो इस चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। हम आज चलते हैं अपने इस ट्वेल्थ लेसन का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, शक्ति की धारणा के संदर्भ में हमने समझा था कि शक्ति क्या है, ठीक है ना, और शक्ति प्रभाव और बल में क्या भेद है वो समझने के बाद अभी हम हमारा जो अभी आज का है वो शक्ति और सत्ता, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, शक्ति और सत्ता के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो हम समझेंगे। तो इसमें ध्यान रखना है कि सत्ता क्या होती है, एक तरह से अथॉरिटी होती है, ठीक है ना, कि किसके पास वैलिड शक्ति होती है। वैलिड शक्ति का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है, ठीक है ना, समाज में कोई दादागिरी करता है तो वो एक शक्ति उसके पास हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी शक्ति दूसरे के पास देखे, जैसे सरकार के पास अगर वह शक्ति है या सरकार के द्वारा पुलिस को दी जा रही है तो वह शक्ति का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें वैधता होती है और वह शक्ति नियंत्रित होती है। तो यहाँ पर ये समझना है कि शक्ति सत्ता का रूप होती है लेकिन उसमें वेद होती है। वेदता जब गुण शामिल हो जाता है, शक्ति के अंदर वेदता गुण शामिल हो जाता है तो वह सत्ता बन जाती है, ठीक है ना, एक अथॉरिटी, एक लीगल व्यवस्था बन जाती है। अब जैसे इसमें हम नॉर्मली समझते हैं कि सरकार के पास कोई पावर नहीं है, लेकिन लोगों ने शक्ति के साथ साथ उन्हें वैधता प्रदान की, वोट दे के उन्हें सरकार के पद पर पहुँचाए हैं और इस तरह से लोगों का विश्वास और लोगों का समर्थन, उसे एक तरह से वैधता प्राप्त हो जाती है सरकार को। और जब वो शक्ति और वैधता दोनों के साथ शासन करता है तो ये शासन का जो रूप होता है वो सत्ता कहलाता है। तो यहाँ पे हम वही देख रहे हैं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू बुक्स, तो एक तरह से आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे जब पढ़ें तो ये आदेश देने की क्षमता है, शक्ति होती है, ठीक है ना। तो शक्ति के साथ जब सत्ता मिल जाती है तो ये एक आदेश देने की क्षमता, एक कह सकते हैं कि पावर उसमें आ जाता है, उसकी ये योग्यता हो जाती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राजनीतिक संगठन उन संरचना द्वारा निर्मित होते हैं जो बल के प्रयोग का नियमन करते हैं और तथा सामाजिक सहयोग और नेतृत्व से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इनमें शक्ति और सत्ता महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब सरकार अस्तित्व में होती है तो उसके पास पावर होता है और साथ ही साथ उसे शासन करने का एक अधिकार, एक वैधता, एक लीगलिटी उसको प्राप्त होती है कि वह कानूनी रूप में शासन कर रही है। तो ये जो कानूनी रूप यानी वैधता के साथ जब शक्ति को लेके धारण करते हुए राज्य में शासन करती है तो वह सत्ता का ही रूप होता है, आपको ये समझना है। और इस तरह से जब वह काम करती हैं तो उसे आदेश देने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो शक्ति वो इसी रूप में प्राप्त होती है। शक्ति व्यक्ति और समूह तथा भौतिक परिस्थितियों के प्रतिरोध के होते हुए भी स्वतंत्र कार्य करने की क्षमता का एक नाम है। शक्ति एक स्वतंत्र रूप में काम करती है। तो इस संदर्भ में देखना है कि सत्ता के बिना शक्ति असंशयकर्त, असंसाधनात्मक, अपरिस्थितजन्य, अनिश्चित होती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि सत्ता के बिना हम यहाँ पे बात करें शक्ति की, तो ध्यान रखना है सत्ता के बिना शक्ति असंशयक अर्थ है। असंस्था का मतलब यहां पे होगा जो संस्था नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब यहां पे संस्था को हम कैसे समझें, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है एक कोई भी संस्था होती है, जैसे सरकारी गवर्नमेंट, तो एक इलेक्ट्रिस्टिक व्यवस्था होगी ना, एक संस्था होगी, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। तो जब उस संस्था के साथ अगर सत्ता नहीं है, सिर्फ शक्ति होगी, तो वह संस्था नहीं होगी, असंस्थीकृत हो जाएगा, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहेगी, कोई विश्वास वैधता या कह सकते हैं कि उसको एक कानूनी रूप नहीं दिया जाएगा, तो भी संस्था होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी असंस्थीकृत हो जाएगा। असंस्थीकृत मतलब क्योंकि इसमें सत्ता नहीं है, शक्ति होने से फर्क नहीं पड़ता है, सत्ता जरूरी होना चाहिए।
और असंज्ञात्मक हो जाएगा। अब यहाँ पे असंसाधनात्मक तो आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो हम जैसे बात करें हैं, ठीक है ना, असाध्यात्मक, तो यहाँ पे असाध्यात्मक से आपको ये समझना है कि यहाँ पे जो हम एक संस्था को मानते हैं साधन के रूप में मानते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वह साधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और वह कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में उसको विकसित करने के लिए अच्छी व्यवस्था परिस्थितियाँ हैं उसको उपलब्ध करवाएगा। लेकिन वह उस शक्ति के द्वारा साधन हो सकता है, लेकिन उस शक्ति में अगर सत्ता नहीं है, वैधता मतलब लीगलिटी नहीं है, तो वह शक्ति असाधनात्मक हो जाएगी, यानी उसका कोई मूल्य या कह सकते हैं वो साधन के रूप में हमारे काम में नहीं आ सकती है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ध्यान रखना है कि शक्ति के बिना सत्ता के बिना शक्ति है वह एक अस्थायी हो जाती है, ठीक है ना, अस्थायी हो जाती है या अनिश्चित होती है। क्योंकि शक्ति का भी अंत होता है, कभी न कभी शक्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो अगर शक्ति के साथ सत्ता जो लीगली रूप होता है, शक्ति जिसको एक विश्वास के तौर पे मानते हैं, तो वो सत्ता का रूप होता है, जो सत्ता है वह शक्ति का एक अभिन्न अंग हो जाए, तब ये कह सकते हैं कि निश्चित और निश्चित समय तक वहाँ पर सही रहेगी और उसको एक संस्थात्मक रूप में एक व्यवस्थित दर्जा उसको मिल जाता है। इसलिए विभिन्न स्तरों पर व्यक्तियों, संस्थाओं और समूह में प्रतियोजन किया जाता है और शक्ति में इस प्रकार की स्पष्टता और निश्चितता का जो अभाव होता है वो किस कारण होता है, सत्ता के अभाव के कारण। तो जब सत्ता उसमें शामिल होती है तो निश्चितता का बोध होता है, वह एक संस्था का रूप होती है और ये कहेंगे भी एक साधन के रूप में सरकार है वो काम करती है, क्योंकि शक्ति के साथ सत्ता उसकी कह सकते हैं कार्य करने की एक लीगलिटी वैधता है जब उसे मिल जाती है। तो इसी पर साइल्स मैरियन ने क्या कहा है, पॉलिटिकल पावर में उन्होंने लिखा है कि शक्ति और सत्ता में कोई भेद नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में इस दृष्टिकोण का उचित नहीं है, क्योंकि शक्ति दमन का यंत्र होता है, शक्ति एक तरह से दमन करता है, कोई अगर ज़्यादा उपद्रव कर देता है या झगड़े करता है तो उसको दमन करने का जो रूप है वो शक्ति को हम मानते हैं, ठीक है ना, और उसका प्रभाव भौतिकी होता है, एक भौतिक रूप में उसका जो इफेक्ट प्रभाव है वो पड़ जाता है, और सत्ता सहमति पर आधारित होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अलग समझे तो ध्यान रखना है, सत्ता और शक्ति, तो शक्ति है वो दमन का रूप होती है, ठीक है ना, और जब सत्ता की हम यहाँ पे बात करें तो सत्ता की ध्यान रखना है, राज सत्ता सहमति पर आधारित होती है। तो ये इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बताया था कि शक्ति में सत्ता कैसे जुड़ जाती है, जैसे सरकार है वो जब इलेक्शन जीत रही है तो उसे जिताने में वहाँ की जनता का सहयोग है, जनता ने ही उसको एक शक्ति के रूप में सत्ता भी प्रदान की है, तो सत्ता उसको मिलती है मतलब सहमति पर आधारित होती है, जब सत्ता उसे मिल जाती है, सत्ता क्या एक सहमति है, एक सभी का विश्वास होता है और विश्वास एक वेद बन जाता है, वेदता, तो वह ये वेदता यानी सत्ता जब शक्ति के साथ जुड़ जाती है तब एक सरकार है जो विश्वसनीय रूप में शासन करती है। तो इसलिए सिर्फ शक्ति है वो तो दमन का रूप होती है, लेकिन अगर सत्ता उसके साथ शामिल हो तो सहमति पर आधारित होती है, जैसे कोई उपद्रव कर रहा है, कोई झगड़े वगैरह कर रहा है, तो वहाँ पर पुलिस के द्वारा जिस व्यवस्था का पालन किया जाता है, और यानी कह सकते दंड व्यवस्था की जाती है, डंडे मार के भगा दिए जाते हैं, तो वह दमन तो है लेकिन लीग रूप में, क्योंकि सरकार ने पुलिस व्यवस्था बनाई है तो ये व्यवस्थाओं को हमने ही अलाउ किया है और हम उनका पालन भी करते हैं, तो इसलिए दमन का रूप है, लेकिन सहमति पर जब आधारित हो जाए, तो जब शक्ति और ये दोनों मिल जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवस्थित संस्थात्मक रूप की स्थापना होती है वहाँ पे। अनेक राजनीतिक और सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो कि बहुत अधिक सत्ता का प्रयोग करती हैं किंतु केवल सहमति पर आधारित, जैसे मैंने पहले ही बताया है, शक्ति को लोग जब मानेंगे उनका पालन करेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें सत्ता होती है, वैधता होती है, लोगों ने ही वह सरकार चुनी है जो उस पर शासन चलाए,
तो ये जो सहमति दी है यानी सत्ता उस सरकार को सौंपी है और वह शक्ति का प्रयोग करेगी सत्ता के साथ। तो इस तरह से यहाँ पे कहा गया है कि केवल सहमति पर आधारित होता है। अब देखिए, शिक्षक, पत्रकार और जन सेवक की सत्ता शक्ति पर आधारित नहीं होती है उनकी, क्योंकि उनको एक तरह से ये सत्ता है वो शक्ति के रूप में प्राप्त नहीं है, फिर भी उनका बहुत अधिक सम्मान किया जाता है क्योंकि उनका एक तरह से विश्वास स्थापित हो जाता है, यानी विश्वास भी एक सत्ता का एक कहीं ना कहीं लक्षण होता है जो उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है। आगे देखना है कि राजनीतिक व्यवस्था और संगठन में सत्ता और शक्ति को सामान्य रूप में संयुक्त किया गया है, यानी दोनों को एक तरह से माना गया, एक ही माना गया है, अपनाया गया है, और ऐसा किया जाना आवश्यक है क्योंकि अत्यंत लोकप्रिय शासन को भी शासन सत्ता के संचालन के लिए सत्ता और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि सत्ता और शक्ति, तो सत्ता और शक्ति को आपको बस स्पेशली इसलिए से ध्यान रखना है कि जैसे हम अपने लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में सिर्फ शक्ति ही लोकतंत्र को बनाए नहीं रख सकती है, क्योंकि शक्ति ज़्यादा समय तक नहीं टिकेगी। तो इसीलिए शक्ति को बनाए रखने के लिए, शक्ति को अस्तित्वशील बनाए रखने के लिए सत्ता जरूरी है, और ये सत्ता सहमति पर आधारित होती है। लोग अपनी सहमति सरकार को सुनेंगे और सरकार से कहेंगे आप शासन करें, हमारे लिए व्यवस्था और कानून बनाए और हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो ये सहमति और सब ने मिलकर ये व्यवस्था की है, तो इस तरह से उस शक्ति को, उस सरकार को सत्ता प्राप्त हो जाती है और ये जो रूप है वो सरकार को संचालन के रूप में सही रूप में क्रियान्वित करता है। तो यहाँ पे हम आप देख रहे हैं कि शक्ति और सत्ता दोनों का बहुत अधिक तालमेल है, तो दोनों के होने से ही लोकतंत्र व्यवस्था में इनका महत्व भी बन जाता है। तो सिर्फ शक्ति है वो ज़्यादा नहीं टिकेगी, सत्ता का होना जरूरी है, और सत्ता है वो शक्ति दोनों मिलकर ही एक कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था एक अभिन्न अंग है वो बन जाती है। तो इस तरह से हमने समझा है कि शक्ति और सत्ता क्या है। नेक्स्ट अब समझना है कि शक्ति के स्रोत क्या है, ठीक है ना, सोर्स ऑफ पावर। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट, शक्ति के यहाँ पे सोर्स क्या है, तो आपको वो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट देखिए, हम यहाँ पे बात करें शक्ति के स्रोत के बारे में, ठीक है ना। तो जैसे कि नेपोलियन, हिटलर, लेनिन और गांधी ने सभी, ये सभी शक्तिशाली थे, ठीक है ना, सभी क्या थे, शक्तिशाली थे। तो अब शक्तिशाली का मतलब यहाँ पे उनके प्रभाव को लेकर है, ठीक है ना, कि कितना उनका इफेक्ट वो समाज पे रहा है, कितने लोग उनके विचार आदर्शों को मानते हैं। तो इस तरह से इनकी शक्ति के स्रोत में भेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि हिटलर है वो तानाशाही के रूप में प्रसिद्ध था, उसने शक्ति का एक तानाशाह के रूप में प्रयोग किया है, ठीक है ना। गांधी जी हैं तो उनके पास शक्ति थी लेकिन उन्होंने वो उस शक्ति का तानाशाह के रूप में प्रयोग नहीं किया है, उनका एक व्यक्तित्व विचार, उसका व्यक्तिशील जो करेक्टर वो ऐसा था कि वह समाज में एक उनकी सभी वो एक शक्तिशाली प्रमुख व्यक्ति के रूप में कहा जाता। तो उनकी शक्तियों के बीच में भेद है। देखिए हिटलर की हम बात करें तो वो एक तानाशाह शक्ति के रूप में था, हम दूसरी बात करें यहाँ पे नेपोलियन, लेनिन, तो ये जो लेनिन और गांधी जी हैं उनका एक शक्ति का रूप अलग है, क्योंकि वह जन सहमति के आधार पे उनको लोकप्रिय माना गया और इनकी लोकप्रियता ही एक शक्ति का अभिन्न अंग बन गई थी। जैसे हिटलर की है तो वो क्या है, एक तानाशाही शासन होता। तो शक्तियों के अंदर भी भेद होते हैं। तो अब हम जस्ट आगे पढ़ेंगे शक्ति के स्रोत। हाँ, तो जैसे कि अब मैं आपको बता दिया है कि इनके शक्ति के स्रोत जैसे अलग होते हैं, गांधी जी के, मैं हिटलर की बात की, तो इसी तरह शक्ति के स्रोतों को कोई हम ये नहीं कह सकते कि शक्ति के लिमिट मात्रा में ये सोर्स हो सकते हैं, यानी यहाँ से शक्ति वो प्राप्त होती है, इसकी लिस्ट तो संभव नहीं। लेकिन हम कुछ ऐसे आधार यहाँ पे जरूर जिस पर डिस्कस करेंगे जहाँ से हमें पता लगेगा कि शक्ति के स्रोत थे वो यहाँ इनके अंतर्गत हैं, घूमते हैं। तो इस तरह से देखें, क्योंकि विचारकों ने इस संबंध में बहुत अधिक मतभेद है, फिर भी शक्ति के कुछ स्रोतों के बारे में हम यहाँ पे उल्लेख करते हैं। तो पहला देखें ज्ञान, जिसको हम नॉलेज कहते हैं। तो शक्ति का ये प्रथम स्रोत है, ठीक है ना। तो इस स्रोत के बारे में देखें, ज्ञान अपने साधारण अर्थ में व्यक्ति को अपने लक्ष्य को पुनः संबंधित करने और मिलाने की योग्यता प्रदान करता है, क्योंकि बिना ज्ञान के उसके पास शक्ति होने से भी अगर उसका कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अक्लमंद, होशियार, मतलब कह सकते उसके पास ज्ञान का भंडार है, तो वह एक अपने आप में शक्तिशाली होता है,
क्योंकि ज्ञानवान हर जगह पूजनीय होता है, उसकी पूजनीयता, उसका सम्मान उसको शक्ति प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक शक्ति का जो स्रोत माना गया है। इस ज्ञान की वजह से शक्ति है वो अपना एक स्थान अलग ले लेती हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि शक्ति के स्रोत में जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो एक प्रथम स्रोत है। ज्ञान द्वारा व्यक्ति की अन्य विशेषताओं को इस प्रकार संचालित किया जा सकता है कि वे शक्ति का साधन बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। और इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे बात करें तो व्यक्ति के नेतृत्व का गुण कि किस तरह से वो नेतृत्व कर रहा है, अपनी पूरी टीम को मैनेजमेंट कर रहा है, तो उनकी ये नेतृत्व का गुण, उसकी इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति का मुझे ये हासिल करना है और मुझे ये इसके काबिल बनना है, तो वो अपने टैलेंट, अपनी नॉलेज के द्वारा वो कर सकता है। और इसी तरह हम बात करें उसकी सहन शक्ति, टॉलरेशन उसमें कितना है, सहन शक्ति कितनी है, और अपने आप को अभिव्यक्त करने की उसकी क्षमता क्या है, वो अपने आप को समाज के सामने किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है, उसकी वो शक्ति पावर क्या है, आदि विभिन्न तत्व शक्ति के महत्वपूर्ण पहलू हैं जो उसे एक ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। क्योंकि बिना ज्ञान अंधेरा है, और ज्ञान से जो प्रकाश होता है वो प्रकाश ही उसके लिए शक्ति का स्रोत है। यहाँ पे तो इस तरह से देखना आगे, इन तत्वों में से किसी एक की भी कमी के समस्त रूप को अकार्य कुशल बना सकती है और इसे पूरी तरह नष्ट कर सकती है। तो यहाँ पे यही बता रहा हूँ कि ज्ञान एक तरह से शक्ति का स्रोत है, और जिसको हमने यहाँ पे समझा है कि किस तरह से हो सकता है। दूसरा देखें कि शक्ति का दूसरा स्रोत, यानी जहाँ से हम शक्ति का एक इंटरमीडियम कह सकते हैं कि वहाँ से हमें प्राप्त हो सकती है, तो वो है प्राप्तियाँ। अब ये किस तरह से शक्ति का स्रोत है, तो इसको देखिए आगे जस्ट कि ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत होता है। ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे देखें तो ये देखना है आंतरिक स्रोत है, क्योंकि इस व्यक्ति के अंदर जो ज्ञान है वो उसकी खुद की एक काबिलियत है, उसका टैलेंट अर्न्ड है, यानी एक हिडन छुपा हुआ उसका एक स्रोत है जो उसे आगे बढ़ाता है। ठीक है ना, ज्ञान। लेकिन हम बात करें प्राप्तियां, तो ये किस तरह से शक्ति का स्रोत है, तो आपको ध्यान रखना ये शक्ति का बाह्य स्रोत है। तो वो किस तरह से, देखिए कि इसके अतिरिक्त शक्ति का निर्धारण करने वाले बाहरी तत्व भी होते हैं, तो ये बाहरी तत्व के तौर पर कार्य करता है। अब ये किस तरह से हो सकता है, तो इसको देखिए, प्राप्तियों के अंतर्गत भौतिक सामग्री, स्वामित्व, सामाजिक सामग्री की शक्ति, एक व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थिति और स्तर, लेवल आदि को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे ये देखना है कि प्राप्ति और संपत्ति शक्ति का एक स्रोत अवश्य है, लेकिन इनको न तो एकमात्र स्रोत और नहीं अनिश्चित रूप से प्रभाव डालने वाला स्रोत माना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको बात करें प्राप्तियाँ, यानी जिसके पास संपत्ति है, ठीक है ना, उनका समाज में सम्मान है, प्रतिष्ठा है, और उनके जिस तरह से उसने समाज में काम किया है, उनके आधार पर उसकी जो उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, उन उपलब्धियों के आधार पर उसका जो एक व्यक्तिगत जो जीवन होता है, वह खुद के खुद को अगर वो महसूस करें, देखें, तो इन उपलब्धियों के आधार पर वह खुद भी समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित होता है। तो ये कहीं ना कहीं जो उपलब्धियाँ उसे हैं, समाज में जो उपलब्धियाँ उसे प्राप्त होती हैं, उस वजह से उसको एक शक्ति का स्रोत भी माना जा सकता है। अरे कहीं कहते हैं ना, जैसे एग्जांपल में बहुत सारा होता है, ये तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने ये किया, ये किया, उनको ये प्राप्त हुआ है, और समाज में उतना उनका इतना इच्छा स्थान है, उनको इतना समर्थन दिया जा रहा है, उतना सम्मान की वजह से, ठीक है ना, आम और आम जनता है वो उनका सब सम्मान करती है, तो कहीं ना कहीं उसमें एक शक्ति का स्रोत जरूर नज़र आता है। तो यहाँ पर जो प्राप्तियाँ हैं, ठीक है ना, उपलब्धियाँ हैं, तो ये उपलब्धियाँ ही उसे या उसको एक शक्ति का माध्यम मान सकते हैं, कि जिसके पास ज़्यादा उपलब्धियाँ हैं उसके शक्ति का स्रोत भी उसके पास उपलब्ध हो पाता है। यानी वो एक, यहाँ पे हम बात करें कि शक्ति के स्रोत में तो प्राप्तियाँ, ठीक है ना, उसके लाइफ में उसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, उन ये उपलब्धियाँ एक तरह से शक्ति का स्रोत होती हैं। बिना शक्ति, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और टॉपिक आता है, ये जैसे मैंने बात की थी, संपत्तिशील तत्व भी बहुत जरूरी है, पैसे वाला है तो कहीं ना कहीं उसके पास शक्ति का स्रोत ये जरूर होता है, क्योंकि उसकी अर्निंग पावर है वो ज़्यादा है। तो इस तरह से आपको देखना है यहाँ पे आगे, बिना संपत्ति के भी एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के कार्य को प्रभावित कर सकता है। बिना संपत्ति के भी शक्ति,
के लिए संपत्ति कहीं ना कहीं अनावश्यक तत्व है, या ऐसा भी है जो इसको शक्तिशाली बनाता है। लेकिन बिना शक्ति के भी, मतलब बिना संपत्ति के भी व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर सकता है। एग्जाम्पल के रूप में गांधी जी को देखें, शक्ति उनके पास, शक्ति जो प्राप्त करने का स्रोत है वो क्या था, संपत्ति नहीं थी, ज्ञान। ज्ञान के बलबूते पे उन्होंने एक राजनीतिक शक्ति के संदर्भ जो एक कह सकते के रूप है वो समझा है कि किस तरह से व्यक्ति का प्रभावशील जो व्यक्तित्व है, ठीक है ना, या उसकी जो उपलब्धियां हैं वो समाज में उसके सम्मान के योग्य बनाती है और उसी से उसको शक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से बिना संपत्ति के भी शक्ति उसे प्राप्त हो सकती है। और संपत्ति के होने पर भी यह आवश्यक नहीं कि वह दूसरों के कार्य को प्रभावित कर सके, क्योंकि शक्ति कहीं ना कहीं दूसरों के कार्य को प्रभावित करने की क्षमता होती है, दूसरों के कार्य को अपने अकॉर्डिंग बदल सकती है। लेकिन कभी ऐसा भी देखा होगा कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं फिर भी बस उस समाज में सम्मान के योग्य नहीं है, या उसके पास पावर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा होता है बहुत बार, क्योंकि क्रेडिटलेस कोई व्यक्ति हो जाए। लेकिन जिसके पास संपत्ति नहीं है फिर भी उसका जो व्यक्तित्व निसर और उसके समाज में उसकी उपलब्धि के आधार पर उसके पास एक जनता का पावर जरूर देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं ये प्राप्तियां किस तरह शक्ति का स्रोत हो सकती है। दूसरा देखें संगठन, तीसरा यूनिटी पावर, हम बात करें संगठन ही शक्ति है। तो इस तरह से आप समझना है कि संगठन किस तरह से होता है, एक एक से भले दो, तो ये एक तरह से ऐसे समाज के एक संगठन होता है, तो वह संगठन एक शक्ति का रूप होता है। तो शक्ति जैसे समाज में सब मिलकर कोई कार्य करना चाह रहे हैं, किसी लक्ष्य को हासिल करना है, तो इसके लिए समाज का जो संगठन है वह मिलकर उस कार्य को जल्दी सफल कर लेता है, तो संगठन में शक्ति होती है। तो शक्ति का जो स्रोत है वो संगठन भी होता है। और नेक्स्ट हम देखें आकार, आकार किस तरह से होता है शक्ति का स्रोत, तो आपको देखना है। अनेक बार आकार को शक्ति का परिचायक माना जाता है, ठीक है ना, एक रूप कह सकते हैं। यह सोचा जाता है कि एक संगठन जितना बड़ा होगा उसके द्वारा उतनी ही शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, यानी संगठन यानी उसका जो क्षेत्र जितना बड़ा होगा वह उतनी ही ज़्यादा शक्ति का उपयोग करने के काबिल हो जाता है। तो ये आकार जो साइजेज है वो भी मायने रखती है शक्ति के रूप में, क्योंकि एक देश के अंतर्गत हम बात करें तो अगर एक देश छोटा ही है तो उसके पास पावर है वो लिमिट मात्रा में ही हो सकता है। लेकिन अगर उसको देखें कि उसका जो आकार क्षेत्र है, संगठन जो है और आकार क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, तो अगर उसके पास इंटरनली पावर नहीं है फिर भी एक ऐसा माना जाएगा कि वो बहुत बड़ा क्षेत्र वाला एक देश है या एक व्यक्ति एक समुदाय है, तो इस आकार के आधार पर भी उसको शक्ति को आका जाता है। तो ये जो उसकी साइजेज आकार की बात करें वो भी एक शक्ति का प्रकार होता है। तो यहाँ पे देखना है शक्ति के स्रोत के आधार पे विश्वास का भी पर्याप्त महत्व है, एक विश्वास भी है जो शक्ति को महत्व प्रदान करता है। और तलवार की शक्ति भी अंतिम रूप में विश्वास पर ही आधारित होती है, क्योंकि लोग विश्वास के साथ ही तलवार और उसके समर्पण को याद रखते हैं। तो इसलिए शक्ति का अन्य स्रोत सतह है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, क्योंकि शक्ति के लिए अगर शक्ति को महत्वपूर्ण बनाना है, उसका वैल्यू बनाना है, तो उसके साथ अगर सत्ता जुड़ जाती है तो शक्ति अतुल्य हो जाती है। तो इस तरह से शक्ति की महानता इस बात से निर्धारित की जाती है कि वो मानव मस्तिष्क पर प्रभाव डालने में सक्षम है। शक्ति एक तरह से क्या है, मानव मस्तिष्क को प्रभावित करने की क्षमता भी होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल में, बहुत सारे देखे होंगे जब इतिहास में हिस्ट्री में देखे हैं, तो ये मस्तिष्क उसको सक्षम उसके अकॉर्डिंग बना सकती है। इस तरह से शक्ति के बारे में मैकावेर ने कहा है कि शक्ति की कार्य कुशलता उन विभिन्न परिस्थितियों के द्वारा बढ़ती या कम होती है जिसके अधीन से कार्य करना होता है। तो इस तरह से तो ये सोर्स थे जो हमने यहाँ पे पढ़े हैं। आगे देखें शक्ति के प्रकार, शक्ति के प्रकार की बात करें तो ध्यान रखना टाइप सोर्स, तो इस सोर्स के बाद हम टाइप की बात करें तो यहाँ पे देखें शक्ति के प्रकार के संबंध में विद्वानों द्वारा अलग अलग विचार दिए, यानी कोई कहता है कि शक्ति के सोर्स कम है, कोई ज़्यादा कहता है, तो इस तरह से उनके बीच में खुद के भी कन्फ्यूजन है कि शक्ति के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पे एक अच्छे समझना चाहेंगे या एक लिस्ट के तौर पर समझेंगे कितने सोर्स हो, मतलब प्रकार हो सकते हैं। गोल्डहैमर और एडवर्ड शील्ड के अनुसार एक व्यक्ति की शक्ति उतनी ही कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार
को परिवर्तित कर सकता है। तो दूसरों के व्यवहार को जितना उसकी इच्छा के अनुसार वो परिवर्तित कर सकता है तो उतनी उसके पास शक्ति के सांचेज होने की हम कह सकते हैं, यानी उतनी उसके पास शक्ति हो सकती है। तो इस तरह से व्यवहार में परिवर्तन की धारणा के अनुसार शक्ति तीन प्रकार की होती है। व्यवहार में परिवर्तन की धारणा, तो देखिए कि किसी के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये उनके व्यवहार को परिवर्तित करने के तौर पे शक्ति कितने प्रकार की हो सकती है तो देखना है। बल, प्रभुत्व और सातुर्य, पहला हो जाएगा बल, दूसरा हो जाएगा प्रभुत्व और तीसरा हो जाएगा सातुर्य, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शक्ति के प्रकार। तो अगर किसी के व्यवहार को परिवर्तन करना है तो उसके लिए क्या शक्ति, यानी किस तरह के उसके प्रकार को हम बात करें कि व्यवहार को परिवर्तन किया जा सकता है शक्ति के प्रकार, तो देखना बल, प्रभुत्व और चातुर्य। बल तो पता ही है, शक्ति और एक बल, ठीक है ना, फोर्स के द्वारा हम किसी के व्यवहार को बदल सकते हैं, हम उसके कार्य को बदल सकते हैं। तो जो बल जो लगा है या जो हो सकता है, किसी भी तरह का बल हो, यहाँ पे शारीरिक रूप में हो या एक तरह से कह सकते हैं कि एक हिडन फोर्स भी होता है, तो इस तरह से शक्ति के व्यवहार के परिवर्तन की क्षमता को देखें तो प्रकार है बल। शक्तिशाली व्यक्ति का बल प्रयोग करना हुआ उस समय कहा जाता है जिस समय वह अधीनस्थ व्यक्तियों के व्यवहार को भौतिक शक्ति के माध्यम से परिवर्तित कर सकता है। दूसरा हम बात करें, जब शक्तिशाली व्यक्ति अपनी इच्छा को प्रकट कर दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करता है तो वह प्रभुत्व कहलाता है। जैसे प्रभुत्व की मान बात करें तो किसके सर्वोच्च को स्वीकारना, कोई अगर शक्तिशाली है तो उसकी शक्तिशालीता के संदर्भ में हम झुक जाते हैं, हम उसके आदेशों को मानते हैं और वह अपनी इच्छा से दूसरों के कार्य और व्यवहारों को बदल सकता है और हम सहमति से उसके इस शक्ति के रूपों को मानते भी हैं, तो उस व्यक्ति की धाक जम जाती है, यानी प्रभुत्व, ठीक है ना। तो यह प्रभुत्व हो गया किसी के व्यवहार को परिवर्तित करने की क्षमता, ठीक है ना, ये शक्ति का दूसरा या प्रकार हो गया प्रभुत्व, ठीक है ना, कि वो किस तरह से व्यवहार परिवर्तन कर सकता है। तो ये प्रभुत्व है, फोर्स, प्रभुत्व। फिर देखें सातुर्य क्या है, तो इसको देखना है ये किस तरह से व्यक्ति के व्यवहार के संदर्भ में हम बात करें शक्ति के प्रकार को सही रूप ठहराता है, तो देखना है चातुर्थ, यानी इसका मतलब ये है कि दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने का ये भी तरीका है, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने का ये भी तरीका है जिसमें प्रभावित होने वाले व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ये नहीं बताया जाता कि शक्तिवान व्यक्ति आखिर उनसे क्या चाहता है। इस अंतिम प्रक्रिया में विभिन्न तरीकों और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए प्रसार प्रणाली को अपनाया जाता है, यानी कैसे कह सकते हैं हिडन पावर जो व्यक्ति के कार्यों को बदल सकता है, व्यक्ति उसके कार्यों उसके अनुसार कार्य कर सकता है। तो जब उस व्यक्ति को पता नहीं कि हमें करना क्या है लेकिन व्यक्ति अपने कार्य को बदल देता है, अपना व्यवहार परिवर्तन हो जाता है, तो इस तरह से उसके पास हिडन जो पावर उसके फोर्स होता है वह कहलाता है सातुर्य, ठीक है ना। तो ध्यान रखना फोर्स यानी बल के द्वारा या किसी भी तरीके से हम आगे होकर उसके जबरदस्ती कार्य को बदल सकते हैं। प्रभुत्व का मतलब होता है किसी व्यक्ति की धाक जम जाना, ठीक है ना, उस धाक के बल पर उसके प्रभुत्व, उसके एक शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण दूसरे व्यक्ति उसके अधिकार उसकी शक्ति को मानते हैं और अपने कार्य व्यवहार को परिवर्तित करने को मजबूर हो जाते हैं, तो उस व्यक्ति का प्रभुत्व बन जाता है, ये प्रकार हो गया। तीसरा चातुर्य कि दूसरे के व्यवहार को बदला जाता है और वह परिवर्तित भी हो जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं पता होता है कि वह व्यक्ति करवाना क्या चाहता है, तो ये एक तरह से चातुर्य नहीं चतुर्थी चतुर्थता के साथ पावर का प्रयोग करना। तो ये आप समझ गए होंगे कि शक्ति के व्यवहार के आधार पर किस तरह से प्रकार हो सकते हैं। नेक्स्ट देखना है जो शायद आपके एग्जाम में आ भी सकता है, तो वो है शक्ति के प्रकार। मैक्स वेबर के अनुसार, मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार क्या हैं, तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए कि मैक्स वेबर ने शक्ति के तीन रूप बताए हैं जो शायद आपने 11th में जरूर पढ़े होंगे, 11th या सॉरी 12th की बात करें, 12th में मैक्स वेबर के अनुसार शक्ति के प्रकार के बारे में एक टॉपिक है,
अगर आपने पढ़ा है तो जैसे पढ़ा हो आपको याद आ जाएगा, और नहीं तो आपको बता दूं कि ये मैक्स अपर के जो शक्ति के प्रकार हैं वो ट्वेल्थ में जरूर है। तो इसके आधार पे है वैधानिक या कानूनी प्रकार शक्ति का, दूसरा है परंपरागत तीसरा है कृष्णमय तो ये तीन जो शक्ति के प्रकार बताए हैं वो मैक्स वेबर ने बताए हैं जो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए वैधानिक या कानूनी शक्ति का मतलब तो ये है कि कानून के द्वारा जब व्यक्ति के व्यवहार और उसकी अवस्था और जो परिस्थिति है उसको बदला जाता है, उसको नियंत्रित किया जाता है, तो उसके साथ एक कानूनी जो शक्ति होती है वो जुड़ी होती है। अब कानूनी शक्ति क्या है तो ध्यान रखना है कि शक्ति के साथ जब न्याय तत्व जुड़ जाता है, यानी कि सभी को समान दर्जा दिया, सभी को समान समझा जाता है, कानूनी रूप में सभी समान है और कानून की व्यवस्था का उसकी सुरक्षा का समान रूप से पालन करेगा, तो इस तरह से जो कानून है जब वह शक्ति के रूप में होता है तो उसमें विश्वास जुड़ा होता है और विश्वास वो कानून को शक्तिशाली बनाता है, और इस तरह से ये शक्ति का एक रूप हो जाता है वैधानिक या कानूनी शक्ति। तो इसके तहत जो दूसरे हैं उनके व्यवहार उनके कार्यों को मानते हैं। तो यहाँ पे हम जब देखें जब अनिश्चित लोग शक्तिशाली व्यक्तियों द्वारा निर्मित कानून निर्देश और डिग्रियों की वैधानिक से विश्वास करते तो ये औचित्यपूर्ण शक्ति वैधानिकता कहलाती है। ठीक है ना, जैसे हमने अपनी सरकार की बात करें तो सरकार एक वैधानिक रूप है, वैधानिक रूप है, क्योंकि हमने ही उनको एक वर्चस्व एक सत्ता प्रदान की है। तो उसके द्वारा जब न्याय व्यवस्था बनाई जाती है या कह सकते हैं पुलिस की जो व्यवस्था बनाई जाती है तो वह कानूनी शक्ति का प्रकार होगा, क्योंकि उनके द्वारा या एक उसे ऊपर की जो व्यवस्था होती है वो जो कहेगा कि आपको ये करना है, ये आदेश मानना है और इस तरह के नियम बनाने हैं। ठीक है ना, जैसे मास्क का पालन, मास्क पहनना जरूरी है। तो जब हम ये उनके आदेशों कानूनों को मानते हैं, अपने व्यवहार में ये परिवर्तन स्वीकारते हैं, तो ये कानूनी व्यवस्था का एक रूप होता है, यानी कानूनी शक्ति वैधानिक शक्ति। दूसरा है परंपरागत शक्ति का प्रकार। ठीक है ना, परंपरागत शक्ति का प्रकार है जैसे राजा है, राजा की आदेश उनकी शक्तियों को उनकी जनता मानती थी, राजा के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, उसका पुत्र हुआ समझ लीजिए, तो यहाँ पे उसका उत्तराधिकारी है फिर वो राज करेगा और उसके आदेशों का पालन है वो जनता करेगी। तो इस तरह से ये परंपरागत रूप में जिस तरह से शक्ति का पालन हो रहा था, ठीक है ना, तो वो दूसरा होगा परंपरागत शक्ति। आप एक अपने व्यवहारिक रूप में देखें तो जो परिवार में सबसे बड़े होते हैं उनके आदेश उनके जो जो आदेश होते हैं नियम होते हैं उनके आधार पर पूरा परिवार चलता है, सभी उनके आदेशों को मानते हैं छोटे बड़े। तो इसी तरह जैसे एक एग्जाम्पल रूप में देखें जो वृद्ध परिवार का जो वृद्ध होता है वह जो कहता है उनके आदेशों पर ही या उनके कहे अनुसार ही पूरा परिवार चलता है और काम करता है। तो ये जो परंपरागत रूप में जिस तरह से ये शक्ति का जो पालन होता हुआ आ रहा है वह एक परंपरागत हो गया। दूसरा यहाँ पे बात करें कृष्णमयी सत्ता, तो कृष्णमयी सत्ता का मतलब ये है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नेचर एक ऐसा हो कि दूसरे उसके अकॉर्डिंग उसके उस प्रभावशील व्यक्तित्व का कारण क्या कर सकते हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं। जैसे हम मान लें कि नेहरू जी देख लीजिए, इंदिरा गांधी देख लीजिए या प्रधानमंत्री, तो उनका व्यक्तित्व ही एक ऐसा कृष्णमयी व्यक्तित्व का था कि उनके पार्टी में जो भी थे जो जीतने वाले नहीं थे लेकिन उनके एक नाम की वजह से उनके नाम की वजह से पूरी पार्टी बन गई और सरकार अस्तित्व में आई। तो ये उनका एक तरह कृष्णमयी व्यक्तित्व होता है, तो ये कृष्णमयी पावर कहलाएगा। ठीक है ना, मैजिकल जो पावर है वो इस तरह से आता है कि उसका एक व्यक्तित्व उसकी कार्य की कुशलता और उसके कार्य के संदर्भ में जो समर्पित भाव है लोग उसको जब मानते हैं तो इसी को फॉलो करते हैं। ये फॉलो यानी उस व्यक्ति का एक करिश्मा एक करेक्टर ही एक ऐसा है जो शक्ति का रूप हो सकता है। तो ये तीन बातें हैं वो मैक्स वेबर ने बताई है शक्ति के प्रकार के रूप में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखें शक्ति की लिमिट क्या है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको समझाया। अब शक्ति की लिमिट के बारे में हम बात करें तो देखिए शक्ति की सीमाएं, शक्ति का प्रयोग एव सीमाएं, यानी कहां तक शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद उसकी लिमिट है वो आ जाती है कि उसकी लिमिटेशन है तय हो जाती है। तो इस तरह से आपको देखना है शक्ति का प्रयोग विभिन्न प्रकार की शक्तियों या साधनों के आधार पर किया जा सकता है।
ड्राइव जिसके आधार पर शक्ति है वो सभी को सभी के ऊपर प्रभावी हो जाती है। जैसे पुरुष का दंड आर्थिक लाभ या रोकना, ये ऐसे साधन है जिसके तौर पे शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यानी जैसे कोई अगर नहीं मान रहा है तो उसको दंड दिया जाता है, तो दंड दिया जाना ये एक शक्ति का प्रयोग हो गया। दूसरा, उसको पुरस्कार दिया जाता है तो पुरस्कार देना ये भी एक साधन है शक्ति का, ठीक है ना। आर्थिक लाभ के तौर पे या कोई बिल्कुल नहीं निभा रहा तो उसको फोर्स के तौर पे प्रतिबंधित कर देते, रोक देते हैं, तो ये भी शक्ति के यानी शक्ति का पालन करने का एक साधन है। इन साधनों की मात्रा और प्रकार देश, काल और संस्कृति के अनुसार परिवर्तित होती है। किस तरह की संस्कृति है उस, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, यानी क्या किस तरह की व्यवस्था है और कौन सा काल है, जैसे पहले की व्यवस्था में किस तरह शक्ति का प्रयोग होता था बल के ऊपर, और आज में, आज वर्तमान समय में बात करें शक्ति किस आधार पर प्रयोग होती है, तो जनता की सहमति के आधार पर शक्ति का प्रयोग होता है जिसमें सत्ता होती है। तो ये देश, काल और संस्कृति के ऊपर निर्भर करता है कि वहाँ पर शक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाए। सामान्यतः शक्ति प्रयोग में सफलता प्राप्त हो जाती है, शक्ति का जहाँ पे भी प्रयोग होता है लगभग उस सांसद होते हैं कि उसके आधार पे व्यवस्था सही कायम हो जाती है और शक्ति सफल रहती है। लेकिन कभी कभी गुंजाइश ये भी होती है कि शक्ति का प्रयोग तो किया गया लेकिन असफल हो जाती है, शक्ति का जो प्रभाव है वो सीधा नहीं हो पाता है। तो इस तरह से शक्ति प्रयोग स्वच्छंद होता है, इच्छा के अनुसार होता है, उसके ऊपर अनेक प्रतिबंध लगाया जाता है। अब शक्ति के ऊपर भी नियंत्रण होता है, क्योंकि शक्ति अगर कहीं नियंत्रण अनियंत्रित हो जाए तो उससे समाज और व्यवस्था है वह पूरी तरह समाप्त नष्ट हो जाती है। इसलिए शक्ति पर भी नियंत्रण या प्रतिबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें प्रयोग की, जब कर ली है तो सीमा इसकी क्या होनी चाहिए वो देखना है। ये सीमा अनेक बातों से संबंधित होती है और इतिहास, परंपरा, सहमति या स्वीकृति प्राप्त करने की आशा के तरीके, राजनीतिक प्रभाव एवं धर्म नैतिकता आदि ऐसे दबाव समूह हैं जो शक्ति को नियंत्रित करते हैं। जैसे समाज में होता है ना कि कोई ऐसी कानून बना दिया जो लोगों के हित के लिए नहीं है, तो जनता के द्वारा या न्यायालय के द्वारा उस सरकार पर फोर्स लगाया जाता है कि नहीं, ये सरकार, ये कानून गलत है जो आप लागू कर रहे हैं और जिस तरह से आप उसको लागू करवाने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं बिल्कुल गलत है। तो सरकार का जो प्रेशर आता है वो उस शक्ति, उस कानून, उस व्यवस्था उसको नियंत्रित कर लेता है, यानी शक्ति को रोक देता है। तो प्रेशर या राजनीतिक प्रभाव, या बात करें कि इतिहास और परंपरा, ये ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं शक्ति को लिमिट में रखने का प्रावधान तय करते हैं कि किस तरह से शक्ति उसका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि इतिहास में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो शक्ति को नियंत्रण में रखने के एग्जाम्पल देते हैं समाज के हित को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से हमने ये देखना है या ये समझा गया है कि शक्ति का प्रयोग कहाँ पर हो सकता है और उसकी लिमिटेशन किस तरह की हो सकती है। अब हम देखें राजनीति विज्ञान में शक्ति का प्रयोग किस तरह से है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक प्रमुख विषय शक्ति ही है, और कैटलिन ने तो यहाँ तक कहा था कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, ठीक है ना। तो राजनीति विज्ञान में कहीं ना कहीं शक्ति है वो जिक्र होता है, बार बार होता है, क्योंकि जहाँ पे हम हिस्ट्री की बात करें या फिर राजनीति के अंतर्गत अलग अलग सरकारों की बात करें तो शक्ति प्रदर्शन होना स्वाभाविक नजर आता है। तो शक्ति राजनीति अध्ययन का हृदय है, शक्ति राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अनुसंधान का हृदय है, और इसे स्पष्ट होता है कि उसके द्वारा दूसरों को प्रभावित करने वाली जो क्रिया है वह शक्ति है। लेकिन कुछ समय पूर्व तक व्यक्ति शक्ति के विचारों को राजनीतिक अध्ययन में उचित स्थान प्राप्त नहीं है। फिर भी ध्यान रखना है कि प्राचीन काल में शक्ति की धारणा है वो असीमित और निरंकुश थी। राजा है वो अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग कर सकता था, तो उससे वो लिमिटेशन नहीं थी, और इस तरह से लोगों के ऊपर जो उसकी सरकार की धाक है वो कह सकते राज्य की धाक है वो एक अनियंत्रित रूप में होती थी, और ये वहाँ पे जो शक्ति का जो रूप था अनियंत्रित और निरंकुश था, ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए कि वर्तमान समय में शक्ति की धारणा से पर्याप्त महत्व लोकप्रिय हो गया है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, और यहाँ पे शक्ति को एक लिमिटेशन में और एक पॉजिटिव वे में इसको स्वीकार किया गया है। जॉर्ज कैटलिन और हेराल्ड डी लॉसवेल ने इस धारणा पर विचार व्यक्त किया है कि लॉसवेल वर्तमान युग का सबसे अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता है। इन्होंने जो शक्ति के बारे में विचार जो दिया है वो वर्तमान में ज़्यादा अपनाया गया है, और जॉर्ज कैटलिन वह प्रथम व्यक्ति है जिसने शक्ति को केंद्र बिंदु बनाकर व्यवस्थित सिद्धांत तथा संकल्पना सृजनात्मकता का विकास किया है। और कैटलिन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कामनाओं को पूरा करने की इच्छा होती है, और इसी इच्छा उसके समस्त कार्यों का एक आधार होती है, उस कार्यों की इच्छा के आधार पर वह शक्ति का प्रयोग करता है। तो कैटलिन के विचारों को यहाँ पे देखें, इच्छाओं के संघर्ष को राजनीति विज्ञान का आधार बनाया गया है। जब इच्छा होगी तो वह राजनीति में व्यक्ति संघर्ष करेगा, और उस संघर्ष के तौर पे उसे शक्ति का बोध होता है, जो राजनीति विज्ञान की शेष विषय वस्तु स्वयं ही स्पष्ट हो जाती है। तो लॉसवेल के विचार को देखें, यानी दो विद्वान जो राजनीति विज्ञान के शक्ति के संदर्भ में विचार दिए हैं, कैटलिन और लॉसवेल। तो लॉसवेल देखिए, शक्ति की धारणा का सबसे विस्तृत विश्लेषण हमें लॉसवेल और कैप्लॉन की रचनाओं में मिलता है। लॉसवेल का विचार है कि राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक
शक्ति प्रक्रिया नहीं वरन यह समाज के मूल्यों की स्थिति व बनावट के परिवर्तन का भी अध्ययन है। जो राजनीति ज्ञान में जब हम देखते हैं तो वहाँ पे जो शक्ति का प्रयोग होता है कहीं ना कहीं वह एक नवीन परिवर्तन समाज के रूप में हम देखने को देखते हैं कि शक्ति का वहाँ पे प्रयोग हो रहा है कहीं ना कहीं सकारात्मक तरह से हो रहा है। और वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि उसकी मूल्यों और समाज के परिवर्तन के तौर पर शक्ति का प्रयोग हो रहा है। और इसी तरह से उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे लॉसवेल की पुस्तक है, उन्होंने इस बारे में बताया कि शक्ति राजनीतिक वर्ग के पास होती है तो वो उस तरह से कैसा प्रयोग करता है, क्योंकि राजनीतिक वर्ग में शक्ति किसके पास है और वह किस तरह से प्रयोग कर रहा है और उसने कैसे प्राप्त की है, इस बारे में हेरल्ड लॉसवेल ने अपनी पुस्तक में बताया था। और अनेक विचारकों ने लॉसवेल की इस धारणा को संकीर्ण जरूर माना है, क्योंकि इसके आधार पर लॉसवेल ने राजनीति विज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को शक्ति बताया। यानी लॉसवेल ने यहाँ तक तो कहा है कि राजनीति विज्ञान में पूरी जो घटनाक्रम है, जितना भी राजनीति विज्ञान है, वो शक्ति के संदर्भ में ही हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों ने इसको एक तरह से सीमित करने का प्रयास किया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शक्ति ही राजनीति विज्ञान का भी केंद्र है, फिर भी संभावना ये रहती है। इसके बाद लॉसवेल की अन्य पुस्तक शक्ति और समाज प्रकाशित हुई और इस पुस्तक में उन्होंने मूल्यों के वितरण को भी राजनीति विज्ञान के संदर्भ में महत्वपूर्ण दिया। यानी फिर उसने बनाया कि राजनीति विज्ञान में शक्ति के साथ साथ मूल्य भी हैं जो एक महत्वपूर्ण रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि शक्ति राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो इसी के साथ हमारा जो आज का जो ये लेसन है, 12th लेसन का सेकेंड पार्ट, वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो BA फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस का 13th लेसन होगा, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इससे संबंध में आपको ऐसा लगे कि कुछ टॉपिक है, कुछ ऐसे पॉइंट है जो समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकें। तब तक आपको ध्यान रखना, कुछ समझ में नहीं आया तो आप वापस पुनः रिमाइंड करके देख सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।